ओरिजिनल म्यूजिक वीडियोस रिलीज करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि दिस इज अवर 24th मंथ और हम हमारा 25वां वीडियो आज रिलीज करने वाले हैं। और इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी अपने परफेक्ट नेपाल के मिशन क्रिएट किया है, मैंने सर ऑर्केस्ट्रेट किया है, वो हम 2 तारीख को हमारा उसका फर्स्ट परफॉर्मेंस का लॉन्च है। और आज हम हमारे 2 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, 25वें गाने का लॉन्च सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसे इकबाल कुरैशी जी जो मेरा बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत अच्छे लिरिक्स हैं उन्होंने लिखा है। और वी आर होपिंग के इसी तरीके से हम इसी मोमेंटम को रखें, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े, व्यूज बढ़े, अभी तक 42 मिलियन हमारे व्यूज हो चुके हैं और जो सब्सक्राइबर हैं दे हैव क्रॉस्ड 2 साल के अंदर पर एबल टू क्रॉस मोर देन 2 लाख सब्सक्राइबर्स। और जो उसके यूट्यूब के एक प्लेटफॉर्म है, उसके बाद हमारे गाने की स्ट्रीमिंग्स ऑन वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म चाहे सावन, अमेजोन, गाना, विन और अब तो स्पॉटिफाई भी आया है, तो मुझे लगता है आने वाले और जो 2-1 साल है उनकी मोर बेटर और हमें ज़्यादा मौका मिलेगा लोगों को एंटरटेन करने का और उनके रिस्पॉन्स। देखिए डिजिटल में 2 चीज़ें हैं, एक तो कंसिस्टेंसी जरूरी है, सो आई हैव अ टीम और हमने जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में से स्टार्ट किया है, एक तो हम उस कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने देंगे। और सबसे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो ये है कि एक तो हम ओरिजिनल म्यूजिक्स कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम जो डिजिटल स्पेस के लोग हैं वो किसी गाने का कवर और करते हैं फॉर कीवर्ड टैगिंग, हमें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो ओरिजिनल म्यूजिक के लोगों को हमें उसको मार्केट करने में लोगों तक पहुँचाने में समय लगता है, बट वंस द सॉन्ग हिट बिकम्स मच मोर टू अ वाइडर ऑडियंस। और तीसरी चीज़ है, आप अगर हमारी चैनल पर जाएंगे तो हमने इसे असॉर्टेड प्लेलिस्ट रोज रखे हुए, मेरी करीब 9 प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट ऐसी है जिसमें हर एक में डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो आपको मिलेगा, किसी के अंदर में खाली म्यूजिशियंस दिखेंगे, किसी में आपको स्टोरी बेस्ड वीडियोस मिलेंगे, कहीं पर गजल है, कहीं पर कवाली है। तो वैसा काम मुझे नहीं लगता कि कोई एक यूट्यूब चैनल कंपोजर इस प्रकार का करती है, तो वो मेरा बहुत डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है और विच आई थिंक